झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बार झारखंड की वर्तमान सरकार को तोड़ने की साजिश चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज झारखंड में सियासत को लेकर क्या अपडेट्स है, इसकी जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी सीनियर रिपोर्टर नीतीश ओझा के पास रुख करेंगे और सीधे उनसे ही जानना चाहेंगे। नीतीश जी, आज की दिन भर की गहमागहमी, खास करके राजनीति में क्या अपडेट आपके पास? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज जो घटना पूरा राजनीतिक परिदृश्य में घटी है, वो विगत कुछ दिनों से जो हेमंत सरकार को गिराने की जो साजिश चल रही है उसी के इर्द गिर्द घूमते रहिए। लेकिन उस बीच में मैं आपको एक चीज़ को ध्यान आकर्षित कराऊंगा। बीजेपी नेताओं द्वारा झारखंड पुलिस को पिछले कई महीना से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आज उसी की एक परिणति बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने झारखंड पुलिस को नसीहत दी है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का टूल्स ना बने, औजार ना बने, क्योंकि अगर वो इस गलतफहमी में है कि वर्तमान हेमंत सरकार अस्थाई है तो वो गलत सोच रहे हैं। ये सरकार जिस दिन भी गिरेगी और कोई भी नई सरकार आती है, हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कोई नई सरकार आती है तो जो संबंधित पुलिसकर्मी है जो आज इस पूरे मामले को हेमंत सरकार को गिराने के मामले को जाँच कर रहे हैं उस पर वो लोग जाँच करेंगे। और जो भी पुलिस भले वो रिटायर भी हो जाए, अगर इस पर संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो वर्तमान जो सरकार का गठन होगा वो सरकार भी वैसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि बीजेपी नेताओं द्वारा पहली बार बयान दिया गया। इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी झारखंड पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था। ये तो हो गया एक झारखंड पुलिस और बीजेपी का जो वॉक यूथ चल रहा है। अब आते हैं हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो तीन आरोपियों को झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है हेमंत सरकार को कथित तौर पर गिराने के मामले को लेकर, उन तीनों आरोपियों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के एक विधायक है कोलेबिरा के, नमन विक्सन कुंगाड़ी, उनके साथ फोटो वायरल हुआ है। ये सबसे बड़ा चर्चा है। ये जब फोटो वायरल होता है तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे प्रकरण को पुष्टि करता है कि क्या कोलेबिरा के जो विधायक है विक्सन कुंगाड़ी, उनके साथ बातचीत हुई है ऐसा कुछ? हाँ, तो पहले मैं बता देता हूँ, जो बीजेपी के नेताओं के साथ जो फोटो वायरल हुआ है उनमें दो प्रमुख नेता का जिक्र किया गया है, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो और धनबाद के सांसद पीएन सिंह। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, विक्सन कुंगाड़ी ने जब यह खबर लगातार न्यूज द्वारा चलाया गया तो विक्सन कुंगाड़ी ने अपना पक्ष भी रखा लगातार न्यूज को। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें करोड़ों का ऑफर मिला था। जब मैंने चूंकि उन्होंने खुद फोन करके मुझे ही बताया था, जब मैंने उनसे पूछा कि विधायक जी कितने का ऑफर था, तो उन्होंने राशि का क्या जिक्र किया था? नहीं, राशि का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है जो मुझसे उनसे बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना जरूर मुझे ऑफर था, वो शायद विधायक रहते भी नहीं कमा पाते। और जब उन्होंने ये पक्ष रखा है और उन्होंने ये भी बताया है कि जब मुझे ये ऑफर रखा गया तो मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि विक्सन कुंगाड़ी के मुताबिक वे कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इनकी जानकारी प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दिया। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी उनसे उनको खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, हालांकि वो अभी भी अपने आप को मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे हैं। बिल्कुल, एक ये भी चर्चा का विषय है कि जो कुछ कांग्रेस के नेता है वो दिल्ली भी कैंप किए थे, वहां पे भी एक बड़े होटल में वो ठहरे, और महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, इन जो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें एक अभिषेक कुमार दुबे नाम का एक जो आरोपी है, उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक वाकई हेमंत सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर है। ये जिस तरीके से बयान लगातार जो लोग गिरफ्तारी जिनकी हो रही वो दे रहे हैं कि इस सूबे में हेमंत सरकार को गिराने की साजिश है, आगे क्या अपडेट है और भी जानते हैं। नीतीश बताएं। तो वो अभिषेक कुमार दुबे का कहना है कि ध्यान दीजिएगा, साजिश में महाराष्ट्र बीजेपी के दो विधायक और मोहित भारतीय और जय कुमार बेलखड़े, ये दो नाम जो सामने आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये मैं आपको बता देता हूँ। मोहित भारतीय जो है उनके बारे में जानकारी मिली है कि मुंबई भाजपा के पूर्व सचिव रहे हैं और साथ ही वो 2013 से 2014 तक मुंबई भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इस मामले में जिन दो महाराष्ट्र के विधायकों का नाम आ रहा है भाजपा विधायक का, उनमें एक का नाम है चंद्रशेखर राव बावनकुले और दूसरा का नाम है चरण सिंह। यानी आप ये समझ लीजिए कि हेमंत सरकार को गिराने के जो बात पिछले दिनों चल रही है, कहीं ना कहीं पटकथा, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र से भी इनका तार जोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये जो दो बड़े नेता हैं ये भी चर्चा का विषय है कि ये दोनों ही नेता रांची भी पहुंचे थे, रांची में भी ये कैंप कर रहे थे, हालांकि गिरफ्तारी के वक्त होटल से ये दोनों बड़े नेता वहां से निकल गए। देखिए सौरभ जी, जानकारी अभी
पुख्ता नहीं कहा जा सकते क्योंकि पुलिस ने ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया। बस उन्होंने प्रेस बयान में यह बताया कि तीन आरोपी गिरफ्तार हुए और एक अभिषेक कुमार दुबे जो हमारे क्राइम रिपोर्टर को जो जानकारी मिली है उनके अकॉर्डिंग इन्होंने यह बयान दिया। बाकी ये जो आरोपी है ये रांची के होटल में रुके थे, पुलिस इनके तक नहीं पहुंच पाई, ये सभी जाँच का विषय है। अब पुलिस अभी इसकी जाँच कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले एक दो दिन में इस पूरे घटनाक्रम की बहुत जानकारी और स्पष्ट हो जाएगी। आज बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाजपा के नेता, उन्होंने भी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या विषय था, किन बातों को उन्होंने सरकार के समक्ष और आवाम के समक्ष झारखंड की 3 करोड़ जनता के समक्ष रखा है? देखिए बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है तब से बालू पत्थर दारू इस सब मामले में वो पैसा कमा रही है, लेकिन चूंकि अब उनको पैसा कमाने का नया अठखंडा चाहिए तो ये एक तरह से ये खुद की सरकार को गिराने का एक साजिश रच रही है। मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र सरकार से भी जोड़ के दिया। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में बीते दिनों आपने देखा होगा कुछ नेताओं को जैसा 100 करोड़ का कुछ मामला सामने आ रहा था कि वसूली करने का ऐसा कुछ उनको काम मिला था, वही काम आज बाबूलाल मरांडी के अकॉर्डिंग झारखंड में हेमंत सरकार कर रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम सारी गतिविधियां रही, इसके अलावा भी कोई और अपडेट जो आपके अंदर बची हो जो हमारे तमाम सारे दर्शकों तक आप देना चाहें? एक सौरभ जी एक और जानकारी है, इन पूरे घटनाक्रम पर जो गठबंधन सरकार में सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का लार टपक रहा है सत्ता में आने के लिए, चूंकि अब सरकार चली गई है तो वो लोग चाह रहे कि बीजेपी सत्ता में इन प्रकरण किसी तरह से भी इस राज्य में अपने आप में फिर सत्ता पे काबिज। और आरजेडी नेताओं ने एक और बयान दिया है, उनका बयान है कि अभी हाल में ही 2 पूर्व उपचुनाव हुए हैं दुमका और बेरमुख लेकर, तो इसके पहले जब बीजेपी नेताओं ने कुछ कतिपय बीजेपी नेताओं ने कहा था कि अगर ये दोनों उपचुनाव बीजेपी जीत जाती है तो हेमंत सरकार गिर जाएगी, तो आरजेडी का ये कहना है कि ये जो आज जो पटखटा चल रही है ये पटखटा का तैयारी उपचुनाव के पहले से ही हो सकता है। तो बिल्कुल आपने सुना कि यही झारखंड के फिलहाल पॉलिटिक्स का सिनेरियो है और दिन भर की जो गतिविधियां राजनीति जगत से जुड़ी रही ये हम अपने तमाम सारे दर्शकों तक नीतीश ओझा जो हमारे सीनियर रिपोर्टर है उनके माध्यम से पहुंचाते रहे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज लाइव लगातार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।